नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। मैं हूं आपके साथ पवन उप्रेती। सत्यहिंदी.com में आज हम बात करेंगे दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास जी के मंदिर को गिराए जाने को लेकर। दिल्ली के तुगलकाबाद में बीती 10 अगस्त को डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संत रविदास जी का मंदिर गिरा दिया था। इसके बाद से ही भीम आर्मी और दलित संगठनों में इसे लेकर बेहद रोष है। बुधवार को भीम आर्मी और कई अन्य दलित संगठनों ने मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर, उनको और कई उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मंदिर गिराए जाने पर प्रदर्शन कर रहे लोग बुधवार शाम को पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और दो मोटरसाइकिलों को आग भी लगा दी। यह भी बताया जा रहा है कि इसमें करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मंदिर तोड़ने के खिलाफ यह प्रदर्शन भीम आर्मी के नेतृत्व में और कुछ अन्य दलित संगठनों के नेतृत्व में किया गया। इस प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से दलित समुदाय के लोग बसों और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में अंबेडकर भवन से लेकर रामलीला मैदान तक मार्च निकाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने करोड़ों दलित बहनों भाइयों की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक रविदास मंदिर स्थल से खिलवाड़ किया है और जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर लाठी बरसाई गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संत रविदास 15वीं और 16वीं सदी के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में माने जाते हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और भारत के कई इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में संत रविदास के अनुयायी हैं। रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद पंजाब और हरियाणा में पिछले दिनों जमकर प्रदर्शन हुआ था। बुधवार को राजधानी में जमा हुए दलित प्रदर्शनकारियों में से कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठियां भी दिखी। प्रदर्शनकारी सवाल उठा रहे थे कि भारत में एक नहीं हजारों धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, तो सिर्फ दलितों के मंदिर को ही क्यों तोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान मंदिर वहीं बनाएंगे के भी नारे लगाए। बुधवार को जो ये प्रदर्शन हुआ है उसमें भीम आर्मी और अन्य दलित संगठनों की अहम भूमिका रही, लेकिन भीम आर्मी ने अपनी विशेष ताकत दिखाई और जो प्रदर्शन हुआ उसमें बड़ी संख्या में लोग भीम आर्मी की टोपी पहने हुए और भीम आर्मी के कार्यकर्ता बनकर आए थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी भीम आर्मी की सक्रियता रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि भीम आर्मी दलितों की एक मजबूत आवाज बनकर उठ रही है। ऐसी राजनीतिक खबरें आती रहती हैं कि बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से परेशानी होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे बीएसपी को यह डर है कि उसकी जो दलित वोटों में हिस्सेदारी है वो कम हो सकती है। फिलहाल संत रविदास जी के मंदिर को तोड़े जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने और दलित समुदाय के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि संत रविदास जी का मंदिर उसी जगह पर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि मंदिर तो वे वहीं बनाएंगे और अगर सरकार ने उनकी मांग को नहीं मांगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।